नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का वीडियो है गुरु ग्रह के वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। 27 अक्टूबर 2018 को गुरु का अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट होता है और गुरु 27 दिसंबर तक अनुराधा नक्षत्र में रहते हैं। 27 अक्टूबर रात को 11:04 को गुरु का अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2 महीना अनुराधा नक्षत्र में चलने वाले गुरु राशि चक्र की 3री राशि मिथुन राशि के लिए कैसा फल देंगे, मिथुन राशि में भी प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए कैसा फल देंगे उसके बारे में है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मिथुन राशि कैसे बनती है। मृगशीर्ष नक्षत्र का 3रा और 4था चरण जो है वो मिथुन राशि में आता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि में आता है। 3रा और 4था चरण मृगशीर्ष नक्षत्र का, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण ऐसे मिला के मिथुन राशि बनती है। क्योंकि प्रत्येक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, मृगशीर्ष नक्षत्र के 2, आद्रा के 4, 6 और 3 पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे मिथुन राशि बनती है। तो आज का जो ये वीडियो है पर्टिकुलरली अनुराधा नक्षत्र में गुरु प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देंगे। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए। मृगशीर्ष नक्षत्र में एक बात तो आपको पहले ही समझा दें कि गुरु का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से 6वें स्थान के अंदर है। 6वां स्थान जो है वो रोग एवं शत्रु का स्थान है। यहाँ पर गुरु आपको, गुरु के लिए ऐसा कहते हैं कि भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव के अंदर गुरु बैठते हैं उस भाव के गुरु फल नष्ट करते हैं इस सिद्धांत के अनुसार गुरु। लेकिन 6वां स्थान जो है, 6वां, 3रे, 6ठे और 11वें स्थान के अंदर हर ग्रह शुभ फल देते हैं इस सिद्धांत के अनुसार गुरु 6ठे स्थान के अंदर आपको रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके 10वें स्थान के अंदर होगी और ये गुरु आपके पंचम दृष्टि आपके 10वें स्थान के अंदर आपके बिजनेस में, कैरियर में कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करने वाले बनेंगे। गुरु की 12वें स्थान में दृष्टि होने के कारण आपके कर्जे समाप्त होंगे, मतलब कर्जे आपके कम होते जाएंगे, आपका डेब्ट कम होता जाएगा और नई इनकम में वृद्धि होगी, कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होगी। क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है आपके कुटुंब स्थान एवं धन स्थान के अंदर है। तो ये गुरु का फल है। और गुरु का नक्षत्र में क्या फल है, गुरु का नक्षत्र में ये फल है कि अनुराधा नक्षत्र में 2 महीना चलने वाले गुरु सर्वप्रथम मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए गुरु जो है आपके क्षेम तारा के अंदर हैं, तो आपके लिए गुरु का फल बहुत शुभ है। गुरु ये जो फल आपको बताया है उसकी शुभत्व में गुरु वृद्धि करने वाले बनेंगे। अब देखते हैं कि आद्रा नक्षत्र वाले जातकों के लिए गुरु का फल कैसा होगा। आद्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए गुरु का फल शुभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपके शत्रु योनि में चलेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र में श्वान योनि है और गुरु का जो ये नक्षत्र है अनुराधा इसमें मृग योनि है, जो दोनों शत्रु हैं। मृग और आद्रा दोनों शत्रु योनि हैं, जिसके कारण गुरु का जो इतना शुभत्व मृगशीर्ष नक्षत्र वाले को जितना ज़्यादा शुभ फल मिलेगा इतना आद्रा नक्षत्र वाले को इतना शुभ फल नहीं मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे हुए जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए मिथुन राशि के अंदर जो भी जातक का जन्म हुआ है इनके लिए गुरु का फल एक्सट्रीमली शुभ है,
क्योंकि गुरु आपके संपत्ति तारा के अंदर चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा फल जो है वो मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के को गुरु का फल सबसे ज़्यादा शुभ मिलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर है वृक्षिक नक्षत्र वाले का, और इसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर देंगे आपको फल आद्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को, इतना शुभ फल नहीं मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का है, आप जान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है। यदि आपको पता नहीं है आपका नक्षत्र क्या है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप में बता देंगे आपका नक्षत्र क्या है। और यदि आपके कोई मित्र है मिथुन राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, नीचे के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की ओर से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। जय गणेश।